हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है सजेशंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि निर्यात संवर्धन के लिए सुझाव। सुनिए, इसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित दिशाओं में प्रयत्न करने होंगे। नंबर फर्स्ट, उत्पादन में वृद्धि। निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि, खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाकर ही निर्यात के योग्य बचत में वृद्धि की जा सकती है। नंबर दो, घरेलू उपभोग पर प्रतिबंध। कुछ वस्तुओं को निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं अन्य तरीकों से घरेलू उपभोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि इसका कुल उपभोग अथवा प्रति व्यक्ति वर्तमान उपभोग कम कर दिया जाएगा, बल्कि हमें उन वस्तुओं के घरेलू उपयोग पर आवश्यक रोक लगानी होगी। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह त्याग आवश्यक है। नंबर थ्री, परोक्ष करों में कमी। सभी प्रकार के परोक्ष करों को, जैसे निर्यात कर, बिक्री कर आदि, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में लौटा देना चाहिए। आजकल ऐसा केवल निर्यात करों के लिए किया जा रहा है, अन्य परोक्ष करों के संबंध में नहीं, जो कि अभी भी विशाल राशि के हैं। नंबर फोर्थ, कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्धि। निर्यात वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातित उद्योगों को आयातित कच्चे माल आदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाएं। अभी कुछ थोड़े कच्चे माल ही राजकीय व्यापार निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर फिफ्थ, निर्यात में विविधता। भारत के लिए निर्यात में विविधता और नई मंडियां ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। भारत को विदेशी मांग के अनुसार नए नए पदार्थों का विकास करना होगा। हमारे पास कई एक ऐसे कच्चे पदार्थ हैं, कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि, जिनसे हम अर्धविकसित अथवा निर्मित वस्तुएं विदेशों को भेज सकते हैं। अतः इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर सिक्स, निर्यात संबंधी सूचना का उचित प्रबंध। देश में निर्यात संबंधी सूचना का अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस देश को कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। नंबर सेवेंथ, निर्यात क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। निर्यात क्षेत्र को देश का प्राथमिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे देश में उत्पादित हस्तकला आदि बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। निर्यात करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे बिजली की निरंतर आपूर्ति, करों में रियायतें, माल शीघ्रता से भेजने की सुविधाएं, कच्चे माल की उचित मात्रा में उपलब्धि।
उत्पादन क्षमता के विस्तार की स्वीकृति। नंबर 8, निर्यात विपणन का प्रशिक्षण, देश में निर्यात व्यापार की ट्रेनिंग का अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा इस विषय में विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस संस्थान को विभिन्न विश्वविद्यालयों में निर्यात विपणन के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 9, भारत में विदेशी उद्यम, विदेशी उद्यमियों को भारत में अधिक से अधिक निर्यात उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। भारतीय उद्योग घरानों को भी विदेशी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। नंबर 10, विदेशों में संयुक्त उद्यम, भारत में उद्यमियों तथा सरकार को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने चाहिए। इसका हमारे निर्यातों पर काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 11, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय समझौते, विदेशी विनिमय की अधिक प्राप्ति के लिए द्विपक्षीय समझौते, जिनमें रुपयों के रूप में वस्तुओं को आयात तथा निर्यात किया जाता है, के स्थान पर बहुपक्षीय समझौतों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय की अधिक प्राप्ति हो सकेगी। नंबर 12, निर्यात उत्पादन नियोजन, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में एक उचित योजना बनाई जानी चाहिए। विदेशी मांग को ध्यान में रखते हुए नई वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। नंबर 13, खुली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिक खुली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, ऐसे वातावरण का सृजन करना जो निर्यात बाजार को अधिक से अधिक आकर्षक बना सके। नंबर 2, घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त हो, ताकि निर्यात के लिए अधिक उत्पादन हो सके। नंबर 3, देश की आयात आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्यात द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त का सृजन। नंबर 4, ऐसा आधार जो बाह्य प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके। नंबर 5, व्यापार की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के विस्तृत उत्पादन आधार का सृजन। अब आता है चैलेंजेस फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड सेक्टर इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है भारत के विदेशी व्यापार क्षेत्र की मध्यम और दीर्घकालीन चुनौतियाँ। सुनिए, इसमें भारत के विदेशी व्यापार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चैलेंज ऑफ बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार में प्रमुख भागीदार बनने की चुनौती। इसमें सुनिए, 2007 से 2008 तक अपनी निर्यात वृद्धि में 20% से अधिक की वृद्धि प्राप्त करने की
उल्लेखना, उपलब्धि के बावजूद भारत ने विश्व व्यापार में हिस्से की दृष्टि से अधिक प्रगति नहीं की है। यदि भारत विश्व निर्यात में चीन के हिस्से का कम से कम आधा भी हासिल कर सके तो इसकी रोजगार और विनिर्माण गतिविधि पर बेतहाशा प्रभाव होगा। व्यापार नीतिगत उपायों, कुछ बाजारों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने, व्यापार सुगमीकरण, टैरिफ सुधारों आदि ने जहाँ कुछ हद तक मदद की है, वहीं यदि भारत को विवश निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करना हो तो बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। नंबर सेकंड, चैलेंज ऑफ रियल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। भारत के निर्यात के वास्तविक विविधीकरण की चुनौती। भारत जहां विगत वर्षों के दौरान अपने निर्यात बास्केट तथा निर्यात बाजारों में विविधता लाता है, वहीं वैश्विक मांग के अनुरूप यहाँ पर्याप्त विविधीकरण नहीं हो पाया है। नंबर थ्री, चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की चुनौती। भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को न केवल चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों बल्कि नए उभरते हुए एशियाई देशों, बांग्लादेश जैसे कम विकसित देशों, वियतनाम जैसे छोटे देशों से टेक्सटाइल आदि मदों से में चुनौती मिल रही है। नंबर फोर्थ, चैलेंजेस रिलेटेड टू टैरिफ रिफॉर्म्स। टैरिफ सुधारों से संबंधित चुनौतियां। भारत क्रमिक रूप से अधिकतम सीमा शुल्क दरों को कम कर रहा है। नंबर फिफ्थ, चैलेंजेस रिलेटेड टू सर्विस ट्रेड। सेवा व्यापार से संबंधित चुनौतियां। सेवा व्यापार एक उन्मुख क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त अवसर और चुनौतियां सेवाओं में व्यापार के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए दिए गए हैं। निम्न सुझाव दिए गए हैं, सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को उदार बनाकर, नौ परिवहन और दूरसंचार सेवाओं में करों को युक्तिसंगत बनाकर, सरलीकरण करारों के साथ आगे बढ़कर, लाइसेंसिंग अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों और विनियात्मक पारदर्शिता जैसे घरेलू विनियोग को कारगर बनाना, जिससे सेवाओं की वृद्धि और निर्यात में सहायता मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।